पालक का पत्ता, पेची का पत्ता। देखिए हम बना रहे हैं पेची का पत्ता से पालक का जो वैसे सब्जी, खाली सब्जी कोपल का सब्जी बन रहा है। कोपल का सब्जी कैसे बनेगा? तो ये पेची का पत्ता में बेसन लपेट दिया गया है, बेसन इसमें नमक भी डाल दिया गया है, मसाला भी डाल दिया गया है। मसाला है, मसाला में क्या क्या आपने डाला? सरसों डाली, लहसुन डाली, मिर्ची डाली। सरसों लहसुन मिर्चा का पेस्ट बनाकर एक साथ मिक्सी में पीस कर यहाँ पे बेसन के साथ मिलाकर नमक स्वादानुसार अच्छी तरह पेस्टी बना के पूरा पत्ता के ऊपर कैसे लगा दे। इसको ऐसे लगाने के बाद देखिए एक पत्ता चढ़ा हुआ है, दूसरा पत्ता इसको ऐसे अच्छी तरह से लपेटने के बाद पूरा बेसन लगा दे कि नहीं। एक पत्ता इसमें चल रहा है तेल के अंदर, इसको तला जा रहा है, भूजा जा रहा है, तो इसको भूजा हुआ छाना जा रहा है, छाना जा रहा है हल्का तेल में, पूरा भूजा नहीं। इसको मसाला को भून कर फिर इसमें ग्रेवी में डाल दिया जाएगा। तो अभी देखिए इसको पत्ता को ऐसे लपेट दीजिए गोल गोल करके, ऐसे आप लपटा रहे ऐसे करके इसके आप देते हैं। देख लीजिए किस तरह से बनाया जाता है कोपल का सब्जी। इस तरह से आप रोल बना के इसको आप चाकू से फिर काट दें, आपको जितना मोटा पतला जाकर जैसे आप काट सकते हैं। ये कट गया, यही फ्राई हो रहा है आपका कोपल, कोपल का सब्जी है ना, क्योंकि पेची का पत्ता होता है जिसको हम लोग कोपल का सब्जी बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बेसन लपेटने के बाद रोल टाइप के करने के बाद इसको स्लाइसेस में काटने के बाद इसको तेल में छलाएगा फल, ये छला के निकल रहा, ये छला रहा है। तो अच्छे से आपको छाल लेना है इसको, लाल बढ़िया से लाल करके छान दिया जाएगा। हो गया है देख सकते हैं आप, जल तो ना गया। इस प्रकार से छना रहा है तेल में, मीडियम आंच में 800 पे छना गला, छनाने के बाद इसको निकाल दें। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो छना गया उसके अगर प्लेट में निकाल दिया जा रहा है। क्रंची टाइप का हो गया, कुरकुर टाइप का हल्का क्रंची टाइप का दिख रहा होगा, कड़ा हो गया है इसमें। इसको जो है निकालने के बाद फिर जो सब्जी है उसमें डाला जाएगा झोर के अंदर, और ये आपका कोपल सब्जी यार तैयार। डाल इसको निकाल दे।